जिले के कलेर प्रखंड क्षेत्र के 15 पंचायतों में चौथे चरण में 20 तारीख को मतदान डाले जाएंगे। कलेर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पसरामपुर में R9 भारत की टीम के साथ ग्रामीणों ने की खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं R9 भारत। अभी हम पहुंचे अरवल जिला के कलेर प्रखंड क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ कई ग्रामीण मौजूद हैं, स्थानीय लोग। इनसे हम जानेंगे कि इस बार क्या सोच के ये लोग अपना मतदान करेंगे। यहाँ पर चौथे चरण में कलेर प्रखंड के 15 पंचायतों में यह मतदान डाले जाएंगे। यहाँ पर इनसे हम जानेंगे क्या सोच के ये लोग अपना मत करेंगे। इनसे हम जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राज कुमार पासवान है। क्या इस बार क्या सोच के उम्मीद ऐसा जताते हैं, कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करते हैं? हम लोग जितना भी आदर्श ग्राम पंचायत टेरी से हम लोग जो हैं जनता जनार्दन, 20 साल तक हम लोग आज तक वैसा विकास कोई किया नहीं जो होना चाहिए था। जैसे में नली है, गली है, रोड है, चाहे आपका राशन कार्ड है, चाहे किसान कार्ड हो, चाहे लड़कन के जो पढ़ाई होता है, जहाँ जो छात्र लोग जो पढ़ते हैं उसमें छात्र लोग का योगदान जो है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमारे फैक्स अध्यक्ष जो पुटू वर्तमान अध्यक्ष जो हैं पुटू भाई, इनकी पत्नी गीता देवी, इनका चुनाव चिन्ह है कलम द्वार छाप। गीता देवी के भावी प्रत्याशी हैं? हाँ, भावी प्रत्याशी हैं, बहुत भावी प्रत्याशी हैं। और अभी जो वर्तमान में 5 साल जो मुखिया रहे, उनका नाम क्या है? उनका नाम तो रीना देवी है। देखिए, मैं गाँव का हूँ जो है कि मैं वो नाम ही नहीं जान रहा हूँ। ऐसा उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत खराब, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो जो है कि कभी निकलती ही नहीं घर से। तो आप लोग हमारे साथ, इन्होंने बताया कि यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी उनको पहचान भी नहीं पाते हैं, ताकि इसका मतलब है कि इनके गांव क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। और लोग हमारे साथ बोलते हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है सर? मेरा उपेंद्र सिंह नाम है। क्या करते हैं? मैं एक साल में हूँ। एक साल में? यह कौन सा गाँव है? ये आपको पसरामपुर गांव का देवी बिहार बोला जाता है। पसरामपुर गांव का देवी बिहार। तो इस बार पंचायत चुनाव है, 20 तारीख को मतदान डाले जाएंगे आपके चौथे चरण के। किस उम्मीद से मतदान करिएगा? क्या सोचते हैं? हम विकासशील नेता चुनना चाहते हैं जो हमारे गरीबों का विकास कर सके, जो गरीबों को देख रेख कर सके, युवाओं का शिक्षा दे सके, शिक्षा में सुधार ला सके, स्वास्थ्य में सुधार ला सके, रोड में सुधार ला सके, वैसा नेता हम चुन रहे हैं। यानी पिछले जो 5 साल रहे हैं मुखिया प्रत्याशी, उनका कार्य से क्या आप लोग क्या? उनका कार्य से मैं क्या बोलूंगा, पूरी जनता बोलेगा। कार्य से तो इतना नाराज है कि शायद उनको निकलना मुश्किल। तो कैसे प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? कई नए नए चेहरे के उम्मीदवार आ रहे हैं। हम तो अपना प्रत्याशी गीता देवी को चुन रहे हैं। शायद हमको लग रहा है कि इस पंचायत में गीता देवी का कितना समर्थन है। इस बार की जनता सबको एक ही कहना है कि यहाँ के जो गीता देवी जी हैं मुखिया प्रत्याशी, इन्हीं को यहाँ के लोग चुनना पसंद करते हैं। जो 5 साल मुखिया रहे हैं रीना देवी, उनके कार्य से यहाँ के लोग नाराज हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं महिलाएं के क्या कुछ कहना है, क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हमको नाम है शर्मिला देवी। घर में राशन मिलता है? राशन मिलता है हमको तो 20 साल से राशन के कार्ड बन गया। अच्छा। हमको कार्ड नहीं दिया था, जब फुटू अध्यक्ष बने ना तो हम लोग का कार्ड राशन मिला था। हमने के बाल बच्चा को पढ़ने के लिए सहयोग देते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि गीता देवी के हम लोग मुखिया बना दें। कि कहाँ पर बच्चा है, चाहे गली नली है, चाहे हम गांव में अभी पानी नहीं गया है, खाली नल जल दे दिया है, पानी नहीं रहता है। हम यही सोचते हैं कि हम गीता देवी के बनाए, गीता देवी हम लोग के विकास कर। जो बिहार सरकार महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना है नल जल, क्या घर में कनेक्शन नहीं लगा है? कनेक्शन लग गया है, बाकी पानी नहीं दे रहा है। उनके कार्य सब लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं। तो कैसा प्रत्याशी जितना पसंद करेंगे? हम वो कभी हम उनका देखवा ही नहीं किए हैं कि कौन रंग का प्रत्याशी है। यानी उनको मुखिया जो प्रत्याशी जो 5 साल जो रहे हैं प्रतिनिधि, उनके नहीं पहचानते? नहीं पहचानते हैं, उन्हें अभी देखवा ही नहीं किए हैं। तो यहाँ के लोग महिलाएं हैं काफी नाराज हैं, और जो 5 साल रहे हैं उनके तो ये लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। और लोग यहाँ पर है जो देश के युवा भविष्य लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, ताकि युवा लोग की बहुत भागदारी होता है। क्या नाम है आपका भैया? दीपक यादव। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या कौन सा पढ़ाई चल रहा है? ग्रेजुएशन फाइनल। ग्रेजुएशन फाइनल। तो इस बार कैसा उम्मीदवार चुनना पसंद करेंगे? विकासशील, जो नवयुवक लोग को साथ दे और आगे भविष्य के बारे में सोचे नवयुवक के, इसी के लिए हम लोग गीता देवी को समर्थन करते हैं। तो गीता देवी पर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या इनका ऊपर है सर? बहुत बहुत उम्मीद हम लोग रखते हैं। हालांकि हम लोग कुटुब भैया पे जो भी उम्मीद रखें हम लोग को बरकरार, अभी जो भी है सामने, मैंने मुखिया बनने से पहले हम लोग को जो भी किए बिल्कुल करके दिखाए हैं, विश्वास इसके चलते हम लोग समर्थन देते हैं। यहाँ के जो पुट्टू जी हैं पैक्स अध्यक्ष, उन्हीं के जो धर्मपत्नी हुए हैं गीता देवी जी,
उनके यहाँ के जितने भी जो ग्रामीण जनता है यहाँ के मुखिया प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, तो इन लोग जितना भी हैं जो 5 साल के कार्यकाल से काफ़ी लोग नाराज हैं इसी को लेकर यहाँ पर जो गीता देवी के प्रत्याशी चयनित करना चाहते हैं और लोग हैं उनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम है श्री राजकुमार साहब। क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है? जी नहीं, वृद्धा पेंशन क्या मिलेगा, राम जी मुखिया बनाए। आर9 भारत के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट अरवल से।